प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर। अभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे आरिफ अजाकिया साहब को, जो है तो पाकिस्तानी मूल के पर उनका दिल भारत के लिए धड़कता है। उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बहादुर महिला और सशक्त नेता शाजिया इल्मी जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई साहब हमें बुलाने के लिए, और आप बहुत ही अजीज हैं, हमारे भाई हैं, हम लोग सब आपको बहुत चाहते हैं। आपसे मुलाकात मेरी लंदन में हुई थी बहुत कम देर के लिए, लेकिन इस बार आपको, अगली बार जब आएंगे, इस बार आपने हमसे मुलाकात नहीं की, आप बहुत मसरूफ थे, अगली बार आप जरूर कुछ और वक्त गुजारिएगा, फिर आपको और तफसील से हम लोग और बातचीत करेंगे। देखिए हैदराबाद से होकर हम आए आरिफ भाई, और हम बताते हैं आपको कि क्या शानदार लड़ाई वहाँ पे देखने को मिल रही है। मतलब माधवी जी कमाल की हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो एक फेक वो जो वीडियो था कि वो तीर कमान लेकर कोई निशाना कर रही है, वो गलत था। वो बात बीचों बीच वीडियो की उन्होंने किसी ने डाल दिया था, मस्जिद, वहाँ मस्जिद थी भी नहीं उस वक्त, और वो उन्होंने बीच में एक वो डाल दिया था, एक कहना चाहिए कि इंटरस्पर्स कर दिया था एक फ्रेम, तो उससे ऐसा लगा। वो बहुत ही शानदार एक महिला लेडी हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और उनके दिल में दर्द है, वाकई में दर्द है, ख़ास तौर से मुसलमान बहनों को लेकर, उनकी प्रगति, उनकी उन्नति, उनके विकास को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद है। तो मुझे एक बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर, मुझे लगा ये मेरी बहन है। मैं भी आरिफ भाई आप जानते हैं इन सब टॉपिक्स पर बहुत बोलती हूँ, जाहिर जिन घरों से हम लोग आए हैं कहीं ना कहीं उसका बहुत असर पड़ता है, और हम लोग हमेशा चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो, तो वही सब तो मुझे वो लगा देखकर। लेकिन मैं आपको बताऊँ इतनी बुरी हालत है, हर साल मैं जाती हूँ, लेकिन मतलब छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं पूरी तरह से बुरखे में, और इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, और छोटी छोटी बच्चियों को ऊपर तक, 12 साल की बच्ची, 11 साल की, तो बहुत मुझे तकलीफ होती है। और मैं सच में चाहती हूँ कि इस तरह के जो लोग जो ओवेसी हैं, उनकी जो मानसिकता है, जो उनकी सोच है, जो इतने खुदगर्ज हैं, वाकई में कोई तो उन्हें चुनौती दे। एक तो अफसोस की बात यह है कि मुसलमान अपना बेहतर नहीं सोचते और ऐसे लोगों को बराबर चुनते रहते हैं। काश थोड़ी सद्बुद्धि होती, मैं तो यही कहूँगा। कह रहा हूँ कि पिछले 10 साल में बीजेपी की सरकार ने जितना मुसलमानों के लिए बेहतरी की है, इतना कभी हुआ नहीं। इसके बावजूद क्या वजह है कि मुसलमान ये कहते हैं कि हम बीजेपी को तो वोट नहीं देंगे, ऑल्दो के दे रिकॉग्नाइज के बीजेपी ने बहुत काम किया है मुसलमानों के लिए। देखिए कैसा हिसाब किताब बन गया है, और कहना चाहिए कि हमारे देश का मुसलमान एक सियासी बंधक बन गया है, एक वो प्रिजनर बन गया है, और वो गुलामी एक तरह की है सियासी, और उसको इस गुलामी से आज़ाद करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं मुसलमान, जैसे कि आपने सुना होगा रिसेंटली आरिफ भाई, एक हमारी बहुत पढ़ी लिखी बहन सलमान खुर्शीद साहब की वो भतीजी हैं, और ज़ाहिर है पढ़ी लिखी भी है, किस तरह से उन्होंने कहा कि मुसलमानों का काम है वोट जिहाद। तो यही एक सोच है कि भाई हमारे और आपके बच्चे तो जाएंगे अच्छे अच्छे स्कूलों में, कॉलेजेस में जाएंगे, ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज, लेकिन जो आम मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, उसका काम क्या है, वो हम लोगों को जिताए, वो करे जिहाद, वो ना तो पढ़े ना लिखे ना नौकरी करे कहीं पे, ना बेहतरी के लिए अपने काम करे, उसका सिर्फ एक काम है वोट जिहाद करे, क्योंकि यही उसका, उसके जीने का मकसद ही यही है। द रेजो डेथ रो ऑफ एवरी मुस्लिम इन इंडिया इज टू वोट आउट बीजेपी, नॉट वोट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अपने लिए कुछ ना करे वो, अपने घर के लिए कुछ ना करे, वो कुछ नहीं मांगे। और ये पूरी जो सोच है, अरविंद केजरीवाल जी से मेरी बात हो रही थी, और ये बाकायदा बात एक ऑडियो कॉन्वर्सेशन के जरिए बाहर भी आई है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मुसलमानों को कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, बस भाजपा को गाली बक दो, अब उनका तो वोट मिल ही जाएगा। तो ये देखिए मेंटालिटी, ये है जो असली मेंटालिटी है, कि ऐसा कुछ कर दिया है मुसलमानों को, कि ऐसा कुछ पर्दा है, महिलाओं के तो शक्लों में भी पर्दा है, लेकिन जो दिमाग का जो पर्दा है उसमें ये है कि फिक्र नहीं करो, कोई तुम्हारे लिए तालीम की फिक्र करे, रोजगार के नए नए रास्ते तुम्हें उसके लिए तैयार करे, तुम्हारे तुम्हें घर दे, तुम्हारे बच्चों के पढ़ाई लिखाई की स्कॉलरशिप्स की बात करे, उसकी फिक्र नहीं करो, बस तुम्हारा एक काम है, भाजपा जो है दुश्मन है और तुम्हें हराना है।
बाकी सब चीजें हमारे लिए हैं, सारे इस रसूख की चीजें, पढ़ाई लिखाई की चीजें, वो हमारे बच्चे दुनिया भर में घूमेंगे, लेकिन तुम कमजर्फ हो, तुम्हारा सिर्फ काम है हमारे जैसे लोगों को जिताना और भाजपा को हराना। बस ऐसा है, यही है हमारे देश में। कांग्रेस से शुरुआत हुई इसकी, चाहे वो सपा हो, चाहे आपके RJD हो, चाहे आपकी आम आदमी पार्टी हो, इसी प्रिंसिपल पर, इसी उसूल पर ये पार्टियां चलती हैं। मुसलमानों को बंधक बना के रख दिया है, दिमागी तौर से सियासी बंधक, और वो गुलामी में ही जी रहे हैं, और पॉलिटिकल उनको लिबरेशन नहीं मिला, आज़ादी नहीं मिली। जी बिल्कुल शाजिया जी, जमीला जी, वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं जमीला जी की तरफ जाने से पहले शाजिया जी आपसे एक और चीज पूछूंगा कि आपने देखा है कि अवैसी साहब जो हैं वो हैदराबाद की जो मेन सीट है उस पे लगातार मुसलसल जीतते रहते हैं। एज एन आउटसाइडर आप बात कीजिएगा, नॉट एज ए भाजपा रिप्रेजेंटेटिव, आप कंपेयर कर सकती हैं कि वहां पर उन्होंने क्या सहूलतें दी हैं मुसलमानों को, वहां की कंपैरिजन करेंगी बाकी जगहों से जहां भारत में BJP की सरकार है वहां से, कि क्या वहां पर डेवलपमेंट हुई है, कुछ डिलीवर किया है उन्होंने? अरे भाई, मैं बिल्कुल भाजपा की तरफ से बात ना रखूंगी, ना अपने को सिर्फ भाजपा की क्या नुमाइंदा समझती हूँ, और मेरी यही लड़ाई है, और हमें लगता नहीं हर चीज में पॉलिटिक्स लानी चाहिए, लेकिन अगर पॉलिटिक्स से परे आप बात करें, इंसानी तौर पर आप बात करें, अखलाकी तौर पर आप बात करें, अरे भाई, तो आप देखेंगे कि इतनी बुरी हालत है। मुझे इतना तकलीफ हुई, आप जब जब मुस्लिम इलाकों में जाते हैं, OSCG के खास इलाकों में जाते हैं, आपको इतना बुरा लगता है, लगता है कि समय बदला ही नहीं। एक न्यू हैदराबाद आप देखिए और आप ओल्ड हैदराबाद देखिए, मतलब क्या कुछ हो सकता है, क्या वो, मतलब भी कहना चाहिए, एक जो एक जखीरा है, ट्रेजर है वहां पे, लेकिन किस तरह से उसमें बिल्कुल कीचड़ भर दी है, समझ भी नहीं आता। वो ऐसा हीरा है लेकिन इतना कचड़ा है कि बहुत कोशिश चाहिए, अगर अगर कोई थोड़ी मेहनत कर दे तो हीरा दिखेगा, लेकिन जरा सी भी मेहनत नहीं की गई है। मुसलमानों को और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं उनको वही गुलाम बनाकर रखा है सियासी दिमाग से, और कहा है हम हैं बस, हम सिर्फ बात करेंगे मजहब की तुमसे, हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे कोई और चीज, यानी कि जो और आइडेंटिटी होती है, सोशल आइडेंटिटी, सिविक आइडेंटिटी, उस पर इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटी कुछ नहीं। मुझे इतनी तक, एक एक घर में 20-20 लोग रह रहे हैं, मतलब इतना कुछ हो सकता है और तब भी नहीं होता, और सारा कब्जा, चाहे वो जमीन का हो, चाहे पूरे अपने अपने यूनिवर्सिटीज का हो, चाहे उनका जो लोकल वक्फ बोर्ड है, पूरा कब्जा है, एक एक माफिया है उसमें, आम इंसान की जिंदगी और एक आम औरत की जिंदगी बहुत बहुत बुरी हालत में है। और मैं इसको एक इशू भी नहीं बनाना चाहती पॉलिटिकल, लेकिन इतने सालों से कोई नुमाइंदगी कर रहा हो, कम से कम वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनकी हालत तो बेहतर होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, लेकिन आपको क्या बताएं, मुझे मतलब तकलीफ होती है। आप कोई भी आके देख ले, साल दर साल वही हाल। और एक और चीज़, और आखिरी चीज़ें बताना चाहूँगी, देखिए मैं तो न्यूज़ एंकर रही हूँ, मैं तो हूँ भी नहीं, करियर मेरा पॉलिटिशियन का रहा नहीं, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूँ मैं, मेरा तो कभी मकसद भी नहीं था, ना ही मैं, मेरा कुछ पॉलिटिकल रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि जो जो बातें हम लोग सुनते थे, इतने लड़कियों का इतना ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चियों को बेचा जाना, बाकायदा उसमें लोग हैं और कितने सब लोग मुलव्वज़ हैं इसमें, बाकायदा वहाँ के तेलंगाना के वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं उनमें से लोग इनके तार जुड़े हुए हैं, किस तरह से बच्चियों को खरीदा जाता है, इतने मिडिलमैन उसमें होते हैं, दुबई से उनको हर जगह से लाया जाता है, और कुछ लड़कियां वहां से जाती हैं उनको दुबई भेजा जाता है, क्या कुछ होता है उनके साथ, लेकिन आप देखेंगे इतनी बुरी हालत। और आगे बढ़ने के लिए, मतलब दिमाग खुले इंसान का, पढ़े लिखे और सोचे, बिल्कुल बंद कर दिया, ताला लगा दिया है OVC परिवार ने वहां पे, ताला लगा दिया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और शाजी अलमी जी का ये पूरा इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा भारत की बेटी शाजी अलमी जी खुद अभी हैदराबाद होके आई हैं, और खुद पर्सनली माधवी लता जी से मिलकर आई हैं, और आपने देखा उन्होंने ग्राउंड रियलिटी के बारे में बताया, और बताया इस बार कैसे ओवीसी जो है सच में डरा हुआ है, और ओवीसी की कुर्सी जो है वो हिल चुकी है। तो देखते हैं इस बार इलेक्शन में कौन जीतता है, माधवी लता जी इतिहास रचेंगी या ओवीसी दोबारा आके हैदराबाद पे कब्जा करेगा, तो ये देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, पर वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।